आज पूरा विश्व क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण इसकी बड़ी चिंता करता है। देश और दुनिया में सामूहिक रूप से उसकी चर्चा होती है। भारत में सदियों से इन बातों पर बल दिया गया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भी भगवान कृष्ण वृक्ष की चर्चा करते हैं। शुक्राचार्य नीति में कहा गया है, नास्ति मूलम अनौषधम, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई औषधीय गुण न हो। पुणे के जुन्नर तालुका में नारायणपुर गांव के किसान खंडू मारुति महत्रे, उन्होंने अपनी पोती सोनल की शादी एक बड़े प्रेरक ढंग से की। महत्रे जी ने क्या किया, सोनल की शादी में जितने भी रिश्तेदार, दोस्त, मेहमान, उन सबको केसर आम का एक पौधा भेंट किया, उपहार के रूप में दिया। और जब मैंने सोशल मीडिया में उसकी तस्वीर देखी तो मैं हैरान था कि शादी में बाराती नहीं दिख रहे थे, पौधे ही पौधे नजर आ रहे थे। मन को छूने वाला ऐसा दृश्य उस तस्वीर में था। सोनल, जो स्वयं एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, ये आइडिया उसी को आया। और शादी में आम के पौधे भेंट देना, प्रकृति का प्रेम कितना उत्तम तरीके से प्रकट हुआ। एक प्रकार से सोनल की शादी प्रकृति प्रेम की अमर गाथा बन गई। मैं सोनल को और श्रीमान महत्रे जी को इस अभिनव प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पिछले दिनों कई राज्यों ने इस मौसम का उपयोग करते हुए काफी अभियान चलाए हैं। भारत सरकार ने भी एक कैंपा कानून अभी भी पारित किया। इसके कारण वृक्षारोपण के लिए करीब 40,000 करोड़ से भी ज्यादा राज्यों के पास जाने वाले हैं।